हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चोर बाजार से शॉपिंग करते समय आप किन किन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। तो पहली चीज़, आप वहाँ से जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो भी स्टफ़ आपको वहाँ से ख़रीदना है, आप उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके जाइए कि आप उसको देखते ही पहचान जाए कि कौन सी चीज़ इसमें ओरिजिनल है और कौन सी चीज़ फेक है। क्योंकि वो लोग आपको ओरिजिनल बताकर उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बता देंगे, और अगर आपको पता नहीं है वो चीज़ कितने की है तो आप वहाँ पर 100% लुट जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने एक पावर बैंक लिया है, मुझे पता नहीं था वो ओरिजिनल पावर बैंक है या फेक है, और मैं उसे ले आया, बट फिर भी मुझे वो ठीक ही प्राइस रेंज में मिल गया, मुझे 150 का मिला है। आगे वैसे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेके आया हूँ। वहाँ से आप जो भी स्टफ़ खरीदें उसमें जितनी ज़्यादा कमियाँ आप उसे गिनवा सकते हैं उतनी कमियाँ गिनवा दीजिए कि इसमें यहाँ पे स्क्रैच है, टूटा हुआ है, वर्क नहीं कर रहा है। भले वो वर्क कर रहा हो बट उसे गिनवा दीजिए, वर्क नहीं कर रहा है, इसमें ये परेशानी है, इसमें वो परेशानी है, तो उसके रेट उसी के हिसाब से वो गिरते जाएंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में चाहिए तो उसमें आप जितनी ज़्यादा कमियाँ गिनवा सकते हैं उतनी कमियाँ गिनवा दीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी टिप की। तो वहाँ पर ऑब्वियसली चोर बाजार है तो चोरियाँ होती हैं। आपको अपना वॉलेट और अपनी सारी कीमती चीज़ें संभाल के रखनी पड़ेगी, वरना वो भी चोरी हो सकती है। और चोरी करने वाले बड़े नहीं होंगे, बच्चे ही होंगे, आपके आसपास आके खड़े हो जाएंगे और अपना काम करके चलते बनेंगे। वैसे अब तो वहाँ पर अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं इस चीज़ों के बारे में। जब मैं गया था तो वहाँ पर कई बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि चोरों से सावधान, छोटे बच्चों से सावधान, ये ब्ला ब्ला काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं। तो बेसिकली आपको उन बच्चों से बचना है जो कि छोटे छोटे होते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहना है। और चलिए मैं आपको और वीडियो में दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या समझ लिया। लेकिन बट उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी पुरानी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ जाकर आप उन्हें भी देखें। ये है सारा का सारा स्टफ जो कि मैंने चोर बाजार से लिया है। चलिए अब मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस जैक की। तो ये जैक मैंने लिया है 10 रुपीज़ का, और इस जैक को यूज़ करके आप अपने फ़ोन से 2 ईयरफोन्स एक साथ चला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्डिंग क्वालिटी है। ऊपर ये प्लास्टिक दिया गया है और नीचे ये स्टेनलेस स्टील है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल गई मुझे ये सिर्फ 10 रुपीज़ में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी चीज़ की, फ़िलहाल से अलग रखते हैं। और ये है ये फ़ोन जो मैंने वहाँ से लिया है। तो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा ये फ़ोन दिया है। ये इधर आपको 5.0 का जैक मिल जाता है जिसको आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। इधर ये फ़ोन दिए गए हैं, ये इसमें पीछे ये मेटल फिनिशिंग दी गई है। एक्चुअली में ये प्लास्टिक हैं, बस इसमें मेटल फिनिशिंग दे दी गई है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अब बात करी जाए इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको बेस बहुत हल्की बेस मिलती है, इतनी अच्छी इसमें बेस नहीं है जिस अगर आप इसको कंपेयर करें स्कल कैंडी से या MI के ईयरफोन से, तो आपको इसमें बहुत ही माइन्यूट सी बेस मिलेगी, बहुत ही हल्की सी बेस मिलेगी इसमें। और इधर देख लेते हैं तो ये इसमें यहाँ पर आपको एक सॉन्ग्स चेंज करने के लिए बटन दिया गया है, और इसी की दूसरी साइड यहाँ पर एक आपको MIC मिली है जिसकी वजह से आप इसको अगर अपनी यूट्यूब वीडियोज से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ऑडियोज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इससे आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी तीसरी चीज़ की तरफ जो कि है एक चार्जिंग केबल। तो ये चार्जिंग केबल मुझे मिली है 10 रुपीज़ की, और ये एक एंड्रॉयड फ़ोन वाली चार्जिंग केबल है, इससे आप एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, और इधर से आप इसको अडेप्टर में लगा सकते हैं या फिर पावर बैंक में। तो इस चार्जिंग केबल की एक लिमिटेशन है, आप इससे सिर्फ चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आप इससे डेटा सिंक करना चाहें, अपने फ़ोन का डेटा अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इससे नहीं कर सकते। ये केवल आपके लिए केवल चार्जिंग करने के लिए काम आएगी। तो चलिए इसको आप अलग रखते हैं और बात कर लेते हैं अपने पावर बैंक की। तो ये पावर बैंक मुझे 150 रुपीज़ का मिला है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पर। तो इसके बॉक्स पे यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, और इस साइड कुछ इंग्लिश में भी है, माइक्रो USB। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बॉक्स पे और कुछ नहीं लिख रहा है, यहाँ पे MI.com लिख रहा है और आगे की तरफ MI लिख रहा है, और बस बॉक्स पर और कुछ भी नहीं है।
चलिए देख लेते हैं हमें पावर बैंक किस टाइप का मिलता है। तो ये पावर बैंक के पीछे लिख रहा है यहाँ पर शिओमी, डॉट भी नहीं है, सिर्फ कॉम, शिओमी कॉम। और नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है 10,400 mAh की बैटरी, तो मेरे लिए इतनी सफिशियंट है। अब अगर आपको इसे हाई पावर की लेनी हो तो वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगी, आप उसे भी ले सकते हैं। और आगे की साइड ये मिल जाता है हमें, इसका बटन और चार्जिंग पॉइंट्स। तो इसमें आप उस केबल को लगा सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी, ये वाली, इसमें लगाकर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और इसे चार्ज करने के लिए नॉर्मल चार्जर का आप यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड चार्जर का। और इसको ऑन करने के लिए आपको दो बार इसको प्रेस करना है। ये जो लाइट जल रही है ये इंडिकेट करती है कि आपका पावर बैंक कितना चार्ज है। अगर ये एक लाइट जल रही है तो आपका पावर बैंक बिल्कुल डेड पड़ा है, दो है तो हाफ चार्ज है, थ्री है तो मोर देन हाफ 75% चार्ज है, और फोर है तो फुल चार्ज है। अगर आप इसको निकाल दें तो ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाएगा, जैसे अब हो गया है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली चीज़ को जो मैंने चोर बाजार से ली है। तो ये है एन लार्ज स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, विद फोकस होने दीजिए। हाँ, तो ये मुझे मिला है सिर्फ 60 रुपीज़ का, तो काफ़ी अच्छा मिला मुझे ये। और इस साइड बॉक्स पे देख लेते हैं तो कुछ कलर्स ऑप्शंस हैं। तो मेरे पास वैसे ब्लू वाला है, और इसमें आपको रेड, ग्रीन, ब्लैक और वाइट मिलते हैं। पीछे देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिख रहा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या मिला है। तो एलर्ट्स वाला स्क्रीन, ये उसी टाइप की एक स्क्रीन मुझे मिली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ट इन क्वालिटी की। तो ये एक प्लास्टिक है, यहाँ पर एक फाइबर का पीस दिया गया है, एक ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है और काफ़ी हल्की प्लास्टिक है, देखिए बहुत ही हल्की प्लास्टिक है। और ये एक इसमें फ्लैप दिया गया है जिससे कि आप इसको हिलने से रोक सकते हैं। और इधर मोबाइल के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए होल्डर दिया गया है, इसमें आप अपने फ़ोन को रख सकते हैं और अपनी स्क्रीन को एनलार्ज कर सकते हैं। और इसके नीचे ही यहाँ पर एक फ्लैप दिया जाता है जिसकी वजह से आप इसका एंगल बना सकते हैं, एंगल पर रख सकते हैं, इस एंगल पर जिस एंगल पर आपको ये चाहिए। बढ़ते हैं अपनी अगली चीज़ों की तरफ, देखते हैं वो क्या है। तो वो हैं कुछ कॉइन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉइन की, ये है 5 रुपीज़ का कॉइन और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा कॉइन है। और ये है 1917 to 1984 का, पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर लिख रहा है नीचे। और इंदिरा गांधी का ये कॉइन है, 5 रुपी कॉइन। एक और मेरे पास 5 रुपीज़ का कॉइन है, वो भी सेम साइज़ का ही है, इतना ही बड़ा कॉइन है वो, बट वो है मेरे पास जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ये जो कॉइन है ये बना था 1989 में। वैसे मुझे इसकी रियल अमाउंट नहीं पता है, मैं सर्च करूँगा कि इन कॉइन्स की क्या प्राइस है। एक ये कॉइन भी मैं लेके आया हूँ 20 यूरो सेंट का, ये कॉइन काफ़ी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। मुझे ऑब्वियसली इसकी भी प्राइस नहीं पता है कि ये कितने का है। चलिए तो देख लेते हैं अपने और कुछ कॉइन्स। तो ये दो एल्युमिनियम के कॉइन्स हैं मेरे पास, एक 10 पैसे का और दूसरा 20 पैसे का। काफ़ी हल्के कॉइन है, बहुत ही ज़्यादा हल्के कॉइन है। तो चलिए अपने और कुछ कॉइन्स देख लेते हैं जो मेरे पास हैं। 50 पैसे का कॉइन है ये वाला, और इसके पीछे गांधी जी और शायद उनके साथ कई सारे लोग हैं, किसी मार्च की फ़ोटो है। और ये बना है 1947 में टिल 1997। चलिए आप दूसरा कॉइन देख लेते हैं। तो ये है 2 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन है ये वाला, और छत्रपति शिवाजी के लिए कॉइन बनाया गया था, इस पर छत्रपति शिवाजी की फ़ोटो, 1999 में ये कॉइन चला था। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉइन है। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट कॉइन की, और
सबसे छोटी से कॉइन की, ये आपकी फिंगर टिप पे आ जाएगा, इतना छोटा कॉइन है ये, 10 पैसे का कॉइन है, 1988 में चला था ये कॉइन, और काफ़ी अच्छा कॉइन है।